लव स्टोरी बेस्ड फिल्मों में सबसे बड़ा संघर्ष होता है हीरो और हीरोइन की सामाजिक स्थिति में अंतर। ऐसी फिल्मों में हीरो या हीरोइन एक किरदार को गरीब परिवार से दिखाया जाता है, लेकिन वो ईमानदार और सोने के दिल वाला होता है। दूसरे किरदार को अमीर परिवार से दिखाया जाता है, जो कि हर गरीब को नफरत की दृष्टि से देखता है। असल में जो इंसान जिस परिवेश या एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है, वो उसी में रहने का आदि हो जाता है। फिर अगर ऐसे इंसान को किसी दूसरे परिवेश में ले जाया जाए तो वो असहज महसूस करता है। वो या तो अपने आप को नए मिले परिवेश में एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस करता है, या एडजस्ट करना ही नहीं चाहता। असल में वो जिस परिवेश में पला बड़ा होता है, उस एनवायरनमेंट में जो कद्र और कीमत चल रही होती हैं, वो उन्हीं को सब कुछ समझता है। फ्रेंड्स, यही थीम है आज के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज़ के इस एपिसोड का। आज जिस फिल्म का रिव्यू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो इसी थीम पर बेस्ड है। आज अपने चैनल के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज़ में मैं जिस फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो है लाइमलाइट फिल्म्स के बैनर तले 1965 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जब जब फूल खिले। 5 नवंबर सन 1965 को रिलीज हुई इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे चेतन खेड़ा और इसे डायरेक्ट किया था सूरज प्रकाश ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी ब्रिज कत्याल ने। तो फ्रेंड्स, जब हम इस फिल्म का डिटेल रिव्यू कर ही रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म का टाइटल 1953 में आई फिल्म शिकस्त से प्रेरित था। इस फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे जब जब फूल खिले। 2 घंटे 27 मिनट की इस फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिन्हें लिखा था कलम के जादूगर आनंद बख्शी ने और इन्हें अपने मधुर संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और नंदा ने। मेरी विंटेज रिकॉर्ड लाइब्रेरी में इस फिल्म का ये एक LP रिकॉर्ड है। एंजल कंपनी के इस रिकॉर्ड की साइड ए में जो सॉन्ग्स हैं, वो हैं परदेसियों से ना अखियां मिलाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, एक था गुल और एक थी बुलबुल मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में, अफू खुदाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, परदेसियों से ना अखियां मिलाना इसका सैड वर्जन जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। इस रिकॉर्ड की साइड टू पर जो गाने हैं वो हैं ये समा समा है ये प्यार का लता मंगेशकर की आवाज़ में, यहाँ मैं अजनबी हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, परदेसियों से ना अखियां मिलाना हैप्पी वर्जन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं शशि कपूर, नंदा, कमल कपूर, जतिन खन्ना, शम्मी, आगा और प्रयागराज ने। शशि कपूर हमेशा कहते थे कि नंदा उनकी पसंदीदा हीरोइन है। गौरतलब है कि नंदा ने उस दौर में भी शशि कपूर के ऑपोजिट फिल्में साइन की थी जब वो एक एस्टेब्लिश्ड हीरोइन थी। उन दिनों शशि कपूर को एक फ्लॉप एक्टर समझा जाता था। इसके पीछे क्या कारण थे, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल के वक्त फिल्म के रिव्यू को जरूर देखिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जब शशि कपूर को इस फिल्म के लिए साइन किया गया, तो बहुत सी एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स ने ये कहकर इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि शशि कपूर के कारण उनके फिल्मी कैरियर को नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना था कि शशि कपूर को हटाकर किसी और बड़े अभिनेता को इस फिल्म में लिया जाए। यही कारण था दोस्तों कि शुरू शुरू में करीब 10 एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर चेतन खेड़ा को शशि कपूर के अभिनय पर पूरा भरोसा था। एक दफा तो निर्देशक सूरज प्रकाश और एक्टर शशि कपूर के बीच में एक शर्त लग गई। सूरज प्रकाश का कहना था कि यह फिल्म 25 हफ्ते चलेगी, जबकि शशि कपूर का मानना था कि ये 8 हफ्ते तक ही चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, इस शर्त के मुताबिक जो भी ये शर्त जीतेगा उसे दूसरे को बर्लिंगटन्स का सिला हुआ सूट देना था। और आखिरकार सूरज प्रकाश शर्त जीत गए और उन्होंने शशि कपूर को ये सूट भेंट किया। हालांकि दोनों ही गलत साबित हुए थे, क्योंकि ये फिल्म 50 हफ्ते चली थी और इसने अपनी गोल्डन जुबली मनाई थी। ये वो दौर था
जब नंदा शशि कपूर से बड़ी एक्टर हुआ करती थी, यहां तक कि जब जब फूल खिले को भी उन्हीं के नाम से प्रमोट किया जा रहा था। कारण यह था कि उन दिनों शशि कपूर की ज्यादातर फिल्में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से असफल रही थी। इस फिल्म की कास्टिंग में भी नंदा का नाम शशि कपूर के नाम से पहले आता है, ये कोई नई बात नहीं थी फ्रेंड्स। एक सफल अभिनेता के नाम से फिल्म प्रमोट करने से उसकी लोकप्रियता और कमाई बढ़ती थी। इसी तरह से दोस्तों उस साल फिल्म गुमनाम आई, इस फिल्म की कास्टिंग में भी नंदा का नाम मनोज कुमार के नाम से पहले दिखाया गया। कुछ भी हो फ्रेंड्स, जब जब फूल खिले शशि कपूर और नंदा की सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यहां यह बता दूं कि नंदा की किसी भी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म ने जब जब फूल खिले से ज्यादा कमाई नहीं की। लेकिन इस फिल्म के हीरो शशि कपूर का करियर ग्राफ देखें तो पता चलता है कि उनकी एकमात्र फिल्म जिसने कि जब जब फूल खिले से ज्यादा कमाई की थी वो थी सन 1974 में आई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म चोर मचाई शोर। ये दोनों ही फिल्में यानी कि जब जब फूल खिले और चोर मचाई शोर, ये अपने अपने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आई। इस साल पहले पायदान पर थी फिल्म वक्त, दूसरे पायदान पर थी फिल्म जब जब फूल खिले और तीसरे पायदान पर थी हिमालय की गोद में। इस फिल्म का कुल बजट था 20 लाख रुपए और इसने भारत में 2,70,00,000 रुपए की कलेक्शन की। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 5,50,00,000 रुपए और इस फिल्म की NA सर्टिफिकेशन रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार थी। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इस फिल्म की कास्ट की। इस फिल्म में एक एक्टर थे जतिन खन्ना, जिन्होंने किशोर का किरदार निभाया था। किशोर रीटा यानी कि नंदा से शादी करना चाहते थे। उन्हें इस फिल्म में और खास करके गीत एक था गुल और एक थी बुलबुल में घोड़े पर सवार दिखाया गया है। तो उन दिनों राजेश खन्ना भी फिल्मी जगत में जतिन खन्ना के नाम से अपनी पहचान बना रहे थे, तो इस एक से नाम की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने अपना नाम जतिन से बदलकर राजेश कर लिया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जिसे कि ब्रिज कत्याल ने लिखा था को बहुत से प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। इन रिजेक्ट करने वालों की सूची में 1975 में आई शोले के प्रोड्यूसर्स GP CP भी थे। लेकिन डायरेक्टर सूरज प्रकाश को लगा कि ये एक अच्छी कहानी है और उन्होंने इसे स्वीकार कर इसको फिल्म का रूप दिया। नतीजन ये उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। गौरतलब है कि ये उनकी पहली कलर फिल्म थी। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि उन दिनों में एक्टर्स फिल्म में किरदार निभाने से पहले वो जिस भी व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं उनकी सामाजिक, सभ्याचारिक और आर्थिक एनवायरनमेंट यानी कि उनकी जिंदगी के हालातों से रूबरू हुआ करते थे। जब जब फूल खिले में किरदार निभाने से पहले शशि कपूर पूरा पूरा दिन कश्मीर में हाउस बोट और शिकारा वालों के साथ रहते थे ताकि वो उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। आखिरकार उनको भी तो एक शिकारे वाले का रोल निभाना था। तो फ्रेंड्स जब शूटिंग लोकेशन की बात चली पड़ी है तो यहाँ पर आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि जब इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर में चल रही थी तो वहाँ पर तैनात एक महाराष्ट्र के लेफ्टिनेंट कर्नल हीरोइन नंदा पर मोहित हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर सूरज प्रकाश को कहा कि वो नंदा की माँ से उनकी नंदा से शादी का प्रस्ताव भेजें। हालांकि ये बात आगे ना बढ़ सकी, नंदा ने यह शादी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। असल में नंदा अपने पिता मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी की मृत्यु के बाद से बहुत ही छोटी उम्र से ही अपने परिवार की देखभाल कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये और बाकी सारे विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए ताकि वो अपने भाई बहनों का ठीक से पालन पोषण कर सकें। 1992 में नंदा ने फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई से सगाई की, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी से पहले मनमोहन देसाई की बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई, जिसकी वजह से नंदा आजीवन अविवाहित रहीं। फिल्म की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के वक्त डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने स्क्रिप्ट राइटर ब्रिज कत्याल से पूछा कि राजा उर्फ राजकुमार यानी कि शशि कपूर को किस धर्म से दिखाया गया है, क्योंकि श्रीनगर में सभी शिकारा हाउस बोट वाले मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ब्रिज कत्याल अवाक रह गए क्योंकि अगर राजा को मुस्लिम बैकग्राउंड का दिखाया जाए तो रीटा यानी कि नंदा हिंदू कम्युनिटी से थी। इस प्रकार तो यह फिल्म हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी के रूप में जानी जाएगी। लेकिन डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने कहा कि यह फिल्म बनाने का उनका मकसद ही यही था। तो चलिए फ्रेंड्स
इस फिल्म के एक और सीन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने 20 अक्टूबर सन 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ट्रेन का सीन देखा है, जिसमें शाहरुख खान काजोल को चलती ट्रेन के अंदर खींचता है। ये सीन तो 30 साल पहले बनी फिल्म जब जब फूल खिले में पहले से ही फिल्मांकित किया जा चुका था। जब जब फूल खिले में भी दिखाया गया है कि रीटा यानी कि नंदा राजा यानी कि शशि कपूर को मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचती है और चलती ट्रेन के पीछे दौड़ती है और अंत में राजा यानी कि शशि कपूर उन्हें चलती ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं। इस सीन की प्रेरणा निर्देशक सूरज प्रकाश को हॉलीवुड फिल्म लव इन द आफ्टरनून से मिली थी। तो फ्रेंड्स, इसी सीन की शूटिंग के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये सीन बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शूट किया जा रहा था। डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने शशि कपूर और नंदा को इस सीन के बारे में विस्तार से समझा दिया था, किस रफ्तार से नंदा को ट्रेन के पीछे भागना है और कब और कैसे शशि कपूर ने उनको ट्रेन के अंदर खींचना है। लेकिन शूट के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सूरज प्रकाश कहते हैं कि डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सीन के मुताबिक शशि कपूर ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे, रीटा यानी कि नंदा उनसे मिलने स्टेशन पर आती हैं क्योंकि वो भी उनके साथ कश्मीर जाना चाहती हैं। ट्रेन चल पड़ती है और नंदा पीछे पीछे भागती हैं। शशि कपूर को नंदा को ट्रेन के अंदर खींचना था, लेकिन शशि कपूर ने नंदा को अंदर खींचने में कुछ देर कर दी। इसी दौरान ट्रेन ने गति पकड़ ली और प्लेटफॉर्म भी खत्म होने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर शशि कपूर ने नंदा को ट्रेन के अंदर खींच लिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस शूट के दौरान एक भयानक हादसा होने से टल गया। अभी हमने इस फिल्म के एक सीन की तुलना 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं के क्लाइमैक्स सीन के साथ की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जब जब फूल खिले की स्टोरी की तुलना 1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी की स्टोरी के साथ कर लेते हैं। राजा हिंदुस्तानी काफ़ी हद तक जब जब फूल खिले से इंस्पायर्ड थी। इन दोनों फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लगभग एक जैसा था। सबसे पहले इन दोनों फिल्मों के नायक का नाम राजा है, जबकि जब जब फूल खिले में राजा शिकारा चलाता है, लेकिन राजा हिंदुस्तानी में राजा यानी कि आमिर खान को टैक्सी चालक के रूप में दिखाया गया है। दोनों ही फिल्मों में दिखाया गया है कि हीरोइन हीरो के घर में रहती है और हीरो उसका गाइड बनता है। शुरू में हीरो और हीरोइन के बीच में तकरार होती है, लेकिन हीरोइन हीरो का गाना सुनकर उससे प्रभावित हो जाती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों ही फिल्मों में हीरोइन एक अमीर परिवार से होती है और हीरो एक साधारण परिवार से। हीरोइन के पिता को ये बेमेल संबंध सही नहीं लगता। दोनों ही फिल्मों में हीरोइन के परिवार द्वारा फूट डालने का प्रयास किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रहता है, यहाँ तक कि दोनों अलग होने के कगार तक पहुँच जाते हैं। पर अंत में दोनों के बीच गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अगर कोई अंतर है तो वो ये है कि राजा हिंदुस्तानी में हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है और बच्चा भी, लेकिन जब जब फूल खिले में ये दोनों ही चीज़ें नहीं दिखाई गई। श्रीनगर और कश्मीर में शूट हुई इस फिल्म ने टूरिज़्म को प्रमोट करने में काफ़ी भूमिका निभाई। जब जब फूल खिले के अलावा जिन और फिल्मों ने टूरिज़्म की प्रमोशन की वो थी आरजू, 1961 की जंगली, 1964 की कश्मीर की कली, 1965 की जब जब फूल खिले और जानवर। इस फिल्म ने ना सिर्फ टूरिज़्म को प्रमोट किया बल्कि शिकारा को भी बहुत लोकप्रिय बना दिया। चाहे इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था, लेकिन उस दौर के कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसकी खूब आलोचना भी की थी। 1965 के दशक में शंकर इलस्ट्रेटेड नाम की एक मैगजीन प्रकाशित हुआ करती थी। नंदा के बारे में इस मैगजीन में लिखा गया था कि उनसे अच्छी तो फिल्म में उनकी मेड का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शम्मी नजर आती हैं। यहाँ तक कहा गया कि ऐसी घिसी पिटी थीम वाली बेकार फिल्म बनाने की जरूरत ही क्या थी। खैर फ्रेंड्स, ये तो कुछ लोगों का व्यू पॉइंट है। मुझे तो इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्टारकास्ट और गीत संगीत सभी बहुत पसंद आए। इस फिल्म का संगीत जो कि कल्याण जी आनंद जी द्वारा दिया गया था बहुत लोकप्रिय हुआ। 1960 के दशक में रिलीज हुई सभी फिल्मों में से जब जब फूल खिले का संगीत चौथे नंबर पर बिकने वाला सबसे लोकप्रिय एल्बम था। इस फिल्म ने कई लोगों के साथ साथ गीतकार आनंद बख्शी को भी पहचान दी।
इस फिल्म से पहले अनंत बख्शी का जीवन संघर्षों से भरा था। असल में वो एक गायक बनना चाहते थे। एक दिन अनंत बख्शी घर से भागकर नौसेना में भर्ती हो गए ताकि वो किसी तरह से मुंबई आ सके। उन्होंने यहाँ 8 साल तक काम किया। इसी दौरान उन्होंने अपने अंदर गाने लिखने के टैलेंट को संवारा। शुरुआती दिनों में तो वो दादर स्टेशन पर बैठकर गाने लिखा करते थे, हालांकि इस दौरान वो किसी की नज़र में नहीं आए। उन्हें पहला गाना लिखने का मौका सन 1958 में मिला, जब उन्होंने एक गीत लिखा, धरती के लाल ना कर इतना मलाल। लेकिन उन्हें सफलता जब जब फूल खिले से ही मिली। फ्रेंड्स, गीतकार अनंत बख्शी जी के बारे में एक पूरा रिव्यू वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। तो जब गीतों की बात चली है तो बता दूँ कि इस फिल्म के एक हिट गीत परदेसियों से ना अखियां मिलाना को पहले मुबारक बेगम की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये वो दौर था जब लता मंगेशकर सामने आ रही थी और उनकी वजह से बाकी सभी गायिकाओं का प्रभाव फीका पड़ रहा था, और ये फैसला लिया गया कि इस गीत को किसी बड़ी गायिका से गवाया जाए। और उन दिनों संगीत जगत में लता मंगेशकर का परचम सबसे ऊंचा था, इसलिए फ्रेंड्स, मुबारक बेगम को बिना बताए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में दोबारा से रिकॉर्ड किया गया। इस फिल्म के एक गीत हमको तुम पे प्यार आया के बारे में भी एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस गीत की एक पंक्ति अफू खुदा को प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक प्रयागराज ने गाया था। इस गीत के अलावा प्रयागराज ने जंगली फिल्म में याहू और कुली फिल्म में अल्लाह रखा को भी अपनी आवाज़ दी थी। एक फिल्म को हिट बनाने में काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं, मसलन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कोरियोग्राफी, म्यूजिक, लिरिक्स, सिंगर्स, स्टार कास्ट वगैरह। म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी के करियर में भी जब जब फूल खिले ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1965 में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने 2 सफल फिल्मों में अव्वल दर्जे का संगीत दिया था, और इसी की वजह से उनकी गिनती मशहूर संगीतकारों में होने लगी थी। ये दोनों फिल्में थीं जब जब फूल खिले और हिमालय की गोद में। इन दोनों फिल्मों में से हिमालय की गोद के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। इस दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी के साथ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो फ्रेंड्स, अब इतने डिटेल्ड रिव्यू के बाद मैं यहाँ पर इस फिल्म की कहानी सुनाना मुनासिब नहीं समझता। इस फिल्म का व्यू लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इस फिल्म को जरूर देखिए और इसके गीतों का आनंद लीजिए। इस फिल्म की टीम यानी कि डायरेक्टर सूरज प्रकाश, स्टोरी राइटर ब्रिज कत्याल, शशि कपूर और कल्याण जी आनंद जी ने 1970 में स्वीट हार्ट नाम की एक और फिल्म बनाई। इस फिल्म में आशा पारेख को हीरोइन लिया गया। आशा पारेख के अनुसार ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन अफसोस ये फिल्म रिलीज ना हो सकी। इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि गीतकार अनंत बख्शी के करियर ने उड़ान भरी। जब जब फूल खिले का जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स सीन लिखा गया था उसके अनुसार राजा यानी कि शशि कपूर को अंत में विलन की पिटाई करनी थी, लेकिन ये एंडिंग डायरेक्टर सूरज प्रकाश को पसंद नहीं आया। उन्होंने 1957 की हॉलीवुड फिल्म लव इन द आफ्टरनून देखने के बाद जब जब फूल खिले का क्लाइमैक्स सीन चेंज कर दिया। अब क्लाइमैक्स सीन ऐसा था जिसमें नंदा को शशि कपूर के साथ कश्मीर जाते हुए दिखाया गया। इस फिल्म के बाद मोहम्मद रफ़ी शशि कपूर की आवाज़ बन गए। जब जब फूल खिले के बाद शशि कपूर और नंदा की जितनी भी फिल्में आईं उस सब में शशि कपूर को मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी। जब जब फूल खिले अफ्रीकी देश अल्जीरिया और मोरक्को में काफ़ी लोकप्रिय हुई। शशि कपूर यहाँ पर एक जाने पहचाने नाम बन गए थे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी खामियाँ जरूर रह जाती हैं, तो इस फिल्म के निर्माण में भी एक छोटी सी गलती रह गई थी। इस फिल्म के एक सीन में रीटा यानी कि नंदा शशि कपूर को हाउस बोट में हिंदी पढ़ाते हुए दिखाई गई हैं, लेकिन उनके हाथ में जो किताब थी वो थी रशियन नॉवलिस्ट व्लादिमीर नाबोकोव द्वारा 1955 में लिखी गई रशियन किताब लोलिता। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, ये फिल्म अपने दौर की एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा यह फिल्म रिव्यू, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप कोई खास फिल्म
या कोई खास फिल्म पर्सनैलिटी के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में भी मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर भी करें। तो चलते चलते फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।